आजमगढ़ जनपद के लालगंज सर्किल की पुलिस ने साल के अंतिम दिन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने डकैती, लूट व चोरी के चार गैंग का खुलासा करते हुए 16 अपराधियों को जहां गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पकड़े गए आरोपियों में लूट व चोरी के जेवर खरीदने वाला सर्राफा व्यवसायी भी शामिल है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 5 असलहे, 5 बाइक, 4 मोबाइल फोन, 1.5 लाख नकदी व 1 लाख कीमत के जेवरात बरामद किए हैं। वहीं पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि बरदा थाना क्षेत्र के स्वाट टीम ने संयुक्त प्रयास से गुरुवार की रात क्षेत्र में बिजौली गांव स्थित पोखरे के समीप मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 मौके से भागने में सफल हो चुके हैं। इस तरह सर्किल के अन्य थानों क्षेत्रों में 11 अन्य अपराधी भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए बदमाशों से की गई पूछताछ के दौरान डकैती, लूट व चोरी की 11 घटनाओं का खुलासा किया गया है। बरदा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 5 तमंचे व चाकू, लूट के 5 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन के साथ ही 1.5 लाख रुपए व 1 लाख कीमत के जेवरात बरामद किए हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो, अमन कुमार की एक रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज सर्कल में आज 4 गैंगों का खुलासा हुआ है, जिसमें 1 गैंग डकैती करने वाला है और 3 गैंग लूट व चोरी की घटनाओं करने वाले गैंग हैं, जिसमें कुल 16 अपराधियों की गिरफ्तारी करी गई है और इनसे 11 घटनाओं का खुलासा हुआ है जो पूर्व में इनके द्वारा करे गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें 5 तमंचे व चाकू, 5 लूट की मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल, लगभग 1.5 लाख रुपए कैश और 1 लाख के करीब जेवर इन लोगों से बरामद हुए हैं। पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इनके लिए रिवॉर्ड के लिए भेजा गया है। इसमें बरदा थाने में एक गैंग पकड़ा गया है जो डकैती की घटना कारित करता था। ये दिन के टाइम राखी करता था और इसके बाद घटना कारित करने के उपरांत सुनार को बेच दिया करता था, जो ठेकमा का है। इसमें सुनार की भी गिरफ्तारी कर ली गई है, शेष एक सुनार बचा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। इस अच्छे कार्य के लिए पुलिस टीम को रिवॉर्ड के लिए संस्तुति करी गई है। इसके पहले भी